एक बड़ी खबर आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड के 3 महीने के बाद अब पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी। उमेश पाल की हत्या के बाद उनकी पत्नी जया पाल ने अतीक अशरफ समेत 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। आपको बताएं, सूत्रों के मुताबिक पुलिस की चार्जशीट में इनके अलावा भी कई अन्य आरोपियों के नाम शामिल हैं, जिन पर हत्या की साजिश में शामिल होने और शूटर्स की मदद करने का आरोप है। तो उमेश पाल हत्याकांड मामले के 3 महीने के बाद अब पुलिस चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। 25 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद उनकी पत्नी ने अतीक अशरफ समेत 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। और अब पुलिस जो चार्जशीट दाखिल करने जा रही है, उसमें 9 लोगों के अलावा अन्य लोग भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद का बहनोई अखलाक, अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी, असद का दोस्त आतीन का नाम चार्जशीट में हो सकता है। इसके अलावा सदाकत की निशानदेही पर भी पुलिस कुछ और लोगों के नाम चार्जशीट में शामिल कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई, पुलिस उमेश पाल हत्याकांड में उनकी भूमिका भी बताएगी। इसके साथ ही पुलिस चार्जशीट में ये भी कह सकती है कि इस मामले में जांच जारी है, और ऐसा इसीलिए जिससे कि उसकी चार्जशीट पर सवाल ना उठे, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों में से कई आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस चार्जशीट में अतीक अहमद और उसके परिवार को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा अतीक के कई दोस्त और करीबियों के नाम भी चार्जशीट में शामिल हो सकते हैं, जिन पर उमेश पाल के हत्याकांड में साजिश में शामिल होने और शूटर्स की फरारी के दौरान उन्हें मदद पहुंचाने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में अतीक और अशरफ पर हत्या की साजिश रचने और हत्या के लिए हथियार मुहैया करवाने का आरोप है। वहीं शाइस्ता परवीन पर हत्या की साजिश में शामिल होने और शूटर्स की मदद करने का आरोप है। इसके अलावा असद, गुलाम, गुड्डू, मुस्लिम, साबिर उस्मान और अरबाज पर हत्या करने का आरोप है। अतीक के वकील खान शौकत हनीफ पर हत्यारों को सूचना देने और उनको पैसे पहुंचाने का आरोप है। इसके अलावा अशरफ की पत्नी जैनब का नाम भी चार्जशीट में शामिल है। गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी प्रयागराज पुलिस और UPSTF के लिए सरदर्द इस वक्त बन चुकी है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से चर्चा में आया गुड्डू मुस्लिम ने 26 साल पहले एक ऐसी घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद उसकी चर्चा उत्तर प्रदेश के बड़े माफियाओं में होने लगी थी। गुड्डू ने इटावा के अंबेडकर चौक पर एक कैदी की पुलिस कस्टडी में हत्या करने की कोशिश की। पूर्व UPSTF के प्रमुख ने बताया कि गुड्डू और उसके साथी अंबेडकर चौक पर कैदी बॉबी का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही वो वहां पहुंचा, गुड्डू मुस्लिम ने कैदी पर 2 बम फेंक दिए। सिपाही और वो जो विचाराधीन बॉबी यादव, ये दो तो कूद के भाग गए। हालांकि इस वारदात में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। गुड्डू मुस्लिम ने साल 1992 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था, जब उसने एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उस वक्त गुड्डू नाबालिग था, लेकिन उसके बाद उसने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया और आज वो अपराध की दुनिया का मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया। पूर्व UPSTF प्रमुख के मुताबिक गुड्डू बम बनाने में एक्सपर्ट था, और जब से वो 16-17 साल का था, तब से ही बम से हमले कर रहा था। उन्होंने बताया कि गुड्डू हमेशा अपनी जेब में बम बनाने का सामान रखता था और चलते चलते बम बना लेता था। शुरुआत के सारे अपराध और अब तक के सारे अपराध इसने बम से ही किए। इसका मतलब साफ है कि गुड्डू मुस्लिम हमेशा से ही अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बनना चाहता था, जिसकी प्लानिंग उसने अपना घर छोड़ते ही शुरू कर दी थी। अब यही गुड्डू मुस्लिम पिछले 3 महीने से फरार है। इस दौरान पुलिस को कई राज्यों में उसकी लोकेशन भी मिली, लेकिन जब भी पुलिस वहां पहुंची तो गुड्डू वहां नहीं मिला, क्योंकि गुड्डू को पहले ही जानकारी मिल जाती थी कि पुलिस उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचने वाली है, और ये जानकारी उसे उसके दोस्त दे देते थे। पूर्व UPSTF प्रमुख राजीव पांडे ने बताया कि गुड्डू ने अब तक जिस भी वारदात को अंजाम दिया, वो यार दोस्ती में ही दिया, और आज वही दोस्त गुड्डू की फरारी के दौरान उसकी मदद कर रहे हैं। उसने किसी से अपने संबंध खराब नहीं किए, तो उसी संबंधों का फायदा उठा के इधर उधर जा रहा है। पिछले 3 महीने में गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गोवा, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और चेन्नई में मिली, लेकिन हर बार गुड्डू पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गया।